बच्चों अपने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लाई का फ्रैक्शन देखा था, अब हम देखेंगे फाइंड द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। वैसे मैंने आपको क्लास में समझा रखा था एडिशन सबट्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे होता है, लेकिन फिर भी आपके सेशन में मल्टीप्लाई तो हम करेंगे। देखिए 114 × 6, तो जो 114 है इस तरह से इसको पहले सेट करना है सवाल को। देखिए 6 इंच आएगा, अब आपको 6 का टेबल बनाना है, 4 बार 1 बार 1 बार। मैंने आपको पहले बताया था अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे लाइन में बना देना और बाद में इसको रफ कर देना। 6 × 4 = 24, अब ये 24 आएगा तो इसका 4 यहाँ पे रखेंगे और 2 यहाँ पर, ये भी मैंने आपको बताया था। अब है 6 × 6, 6 में फिर 2 ऐड हो जाएंगे तो 8 और 6 × 6, तो क्या आंसर आया इसका 684, क्या आंसर आया इसका 684। इसी तरह से देखिए अब ये देखेंगे 432 में 7 का 25 लाइन। साइन लगाना बहुत जरूरी है तभी मालूम चलेगा कि आपने क्या करा है। 7 × 14, 14 कैसे लिखेंगे तो 4 यहाँ और 1 यहाँ पर। 7 × 21, 21 और 1, 22, 22 का 2 और 2 यहाँ पर। 7 × 28, 20 और 22 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब एक और बता रही हूँ मैं आपको, 257 में 4 का मल्टीप्लाई, 4 × 7 = 28, 28 × 8 = 2, 4 × 5 = 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22 का 2 ये 2, 4 × 8 = 10, 1028 ये इसका आंसर है। इसी तरह से मैं 3-4 और आपको मल्टीप्लाई दूंगी जो आपको नोटबुक में अच्छे से करते हैं। अच्छा कुछ बच्चे जो कॉपी करेक्शन के लिए आ रहे हैं, मैंने आपको कई बार कहा है कि दो नंबर एक साथ नहीं रखे जाते हैं, जैसे कि आया ना 7 × 14, तो 14 × 14 ऐसे ही रख दिए, ये आंसर गलत है। एक नंबर नीचे आएगा एक नंबर ऊपर आएगा, मैंने आपको कई बार ये बात बताई है लेकिन फिर भी अभी भी बच्चे कई गलतियां कर रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी डबल नंबर नीचे रख दे रहे हैं जो गलत है, ठीक है। आपको एक नंबर नीचे रखना है एक नंबर ऊपर रखना है, और आप सभी को कॉपी करेक्शन के लिए आ जाना है और वर्कशीट ले जाइए, वर्कशीट काम करके हमें जमा करवाइए, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।